हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक अपना कीमती समय निकालकर वीडियो पर पैसा लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में गोल्डन कार्ड से 5 लाख तक फ्री इलाज, 28 लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार ने लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाई। मंत्रियों की नाराजगी से सहमी खट्टर सरकार, अब हरियाणा के हर विधायक को सड़क रिपेयर के लिए 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, 23 आवेदन कर चुके। तो हरियाणा के युवाओं के लिए एयरफोर्स में भर्ती, अग्निवीर वायु के लिए 23 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, फीस 250 रुपये। तो हरियाणा में खराब हुआ है 45,000 टन गेहूँ, डिप्टी सीएम बोले जिम्मेदार अफसरों पर होगी एफआईआर, उनसे रिकवरी भी होगी। तो हरियाणा कांग्रेस नेताओं को हाईकमान की फटकार, उदयबान हैसियत पूछने वाले बयान से पलटे, किरण चौधरी ने भी चुप्पी साधी। हरियाणा के सिरसा जिले के 76 वार्डों में नहीं बन पाया कोई पंच, योग्यता और दस्तावेजों में कमी होने के कारण नहीं भर सके नॉमिनेशन। हरियाणा के सिरसा जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बढ़ रहे डेंगू के केसों से प्रशासन अलर्ट, उपायुक्त ने दिए फॉगिंग के आदेश। तो हरियाणा के सिरसा में वार्ड बंदी और वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियां, वार्ड 21 के बूथ 125 के 872 वोट, वार्ड 19 में जोड़े बूथ 72 से 70 आपत्तियां दर्ज। हरियाणा के भिवानी में जमीन रजिस्ट्री मामले में कानून गोवा पटवारी निलंबित, एडीसी ने की बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी कॉरपोरेशन मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने की सिफारिश। तो हरियाणा के भिवानी में डेंगू का कहर, विभाग की 142 टीमें 4 माह से जिले भर में चला रही हैं एंटी लार्वा अभियान, फिर भी डेंगू मरीजों का आंकड़ा 90 पहुंचा। हरियाणा के रोहतक में बढ़ी मच्छर जनित बीमारी, पिछले वर्ष से डेंगू के मामले कम तो मलेरिया का बढ़े, डेंगू का पीक नवंबर। हरियाणा के पानीपत में हत्या के प्रयास के दोषी को जेल, कभी गवाही पर नहीं आया पीड़ित, गवाहों सबूतों के आधार पर 7 साल की हुई सजा। तो हरियाणा के हिसार के हांसी नगर परिषद चेयरमैन और 3 पार्षदों पर एफआईआर, मामला स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय कर्मी के करंट से मौत का है, अभी गिरफ्तारी भी नहीं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में बादलों से ढका रहा आसमान, अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट, अब छाने लगेगा कोहरा। किसान आंदोलन पर बीकेयू, गृह मंत्री आमने सामने, चढ़ूनी बोले 24 को रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, अनिल विज ने कहा सभी केस वापस ले चुके। हरियाणा के रेवाड़ी में बस ट्रक की टक्कर, 2 सवारियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर गलत दिशा से आ रहा था ट्रक। हरियाणा में आज से बदलेगी हवाओं की दिशा, दिन रात के तापमान में होगी कमी, बढ़ेगी ठंड। हरियाणा में धान खरीद हुई बंद, अब राइस मिलों में होगा स्टॉक का भौतिक सत्यापन। तो हरियाणा में मंगलवार रात धान की खरीद बंद हो गई है, मंडियों में 58 लाख टन से अधिक धान पहुंचा है, अब दिसंबर में राइस मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा ताकि कहीं कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। हरियाणा में शिक्षा के साथ सेहत का ख्याल रखा जाएगा, सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा परिषद ने उठाया कदम। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद, जय हिंद।